I welcome you to Topaz Civil. Let's get started. तो वेलकम यू ऑल। सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट सेट कर लेंगे। यूनिट सेट करना तो हर एक ड्राइंग में ज़रूरी होता ही है। तो यूनिट में हम यहाँ पे इंजीनियरिंग ले लेंगे और प्रिसीजन में 0-0 ले लेंगे और इंसर्शन यूनिट में इंचेज हमारा पहले से ही है। उसके बाद हम यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा कोई ड्राइंग बनाना है, कोई रेक्टेंगल या कुछ भी हो जिसमें इरेगुलर शेप है, जिसमें 90 डिग्री नहीं है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी बेस पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे हमारा 16 फीट 1 इंच का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम इसको इससे लेकर चलेंगे। हॉरिजॉन्टल ना भी हो फिर भी सही है, आप बना सकते हैं। तो 16 फीट 1 इंच का लाइन ले लिए और हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए 17 फीट 1 इंच का एक लाइन रेडियस का सर्कल बनाएंगे और फिर डायगोनल जो आपको दिख रहा है 28 फीट का, उसके लिए हम सर्कल बनाएंगे यहाँ से। और जो दोनों सर्कल जहाँ कट कर रहा है वहाँ पर हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा, तो हम उसको ज्वाइन कर देंगे इस वाले कॉर्नर से और फिर डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे और हमारा इस दोनों सर्कल का काम अप हो गया है। तो हम इसको अब डिलीट कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर दूसरे साइड आपको बनाना है तो ऊपर वाले पॉइंट से आप 22 फीट 5 इंच का रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए और नीचे वाले पॉइंट से एक 21 फीट और 8 इंच का सर्कल लेकर एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिए और ये दोनों जहां कट करेंगे वहां पे हमारा फोर्थ पॉइंट इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे हमारा ये ड्राइंग बन के कम्प्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसे ड्राइंग बन जाएगा। हम इसका डायमेंशन भी चेक कर लेंगे YQ-Arch के DDZ कमांड से। YQ-Arch अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे YouTube शॉर्ट्स में बहुत सारे वीडियोज है उसके। तो ये हमारा ड्राइंग बन के तैयार हो गया।